ये आज की क्लास में देखो अपन क्या करेंगे कि आरएस के मुख्य परीक्षा यानी आरएस के जो पुराने पेपर आरएस मेंस के जो 2016, 2018 और 2021 में जो पेपर हुए हैं उसमें पुराने जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देखेंगे। उनके उत्तर भी बता रहा हूं मैं साथ साथ में, यदि मैं उत्तर पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ डिटेल का मतलब नहीं, उत्तर तो मैंने यहाँ पे पूरे बताए हुए आपके जो पीपीटी फॉर्म में है सबके उत्तर पूरे डिटेल के साथ व्याख्या सहित दे रखे हैं, लेकिन मैं एक एक लाइन करके आपको नहीं बताऊंगा, उनका जो आउटलाइन है वो बता दूंगा कि कैसे कैसे उनके उत्तर हैं। और मैंने इनके जो उत्तर दिए हैं उसमें उत्तर दिया है ना, वो सारे के सारे थोड़े डिटेल में ज्यादा दिए हुए, क्योंकि अगर आप लिमिट में याद करोगे, लिमिट में याद करोगे तो वहां जाकर कुछ भूलोगे कुछ याद रहेगा, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा जो एग्जाम में जाकर के आपके थोड़ा थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। तो आप ये काम करो, इनको लिखना नहीं है, ये जो पेपर है जैसे ये टोटल पिछले 3 सालों का वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसमें सारों के उत्तर सहित हैं, जो लगभग 79 पेज, लगभग 78 यानी 75 पेज का मैटर है, ये 75 पेज में, 75 पेज का ये पीपीटी का मैटर है जैसे, लेकिन इसका जो आंसर तैयार किए गए हैं कंप्यूटराइज है सारा सारा, वो आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा, अपनी बुक ऐप पर निःशुल्क वाला एक उसमें पोर्टल ऑप्शन आता है, फ्री मटेरियल करके आता है, उसमें आपको मिल जाएगा ये, जहाँ टेस्ट पेपर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ समय समय पर। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन कौन से प्रश्न आए देखो, पिछली बार एक प्रश्न आया था कि लियोनार्डो द विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहां पर चित्रित किया। अब मैंने क्या किया है कि इसका पूरी डिटेल दे दी है लियोनार्डो द विंची की। तो लियोनार्डो द विंची का जो काल है 1452 से लेकर 1519 तक है। ये फ्लोरेंस का निवासी था, ये गणितज्ञ था, वैज्ञानिक था, इंजीनियर था, संगीतकार था, चित्रकार था, दार्शनिक था, ये एक आशु कवि भी था, शॉर्ट एंड जानता था, यानी तुरंत शीघ्र लिपिक था, ये कविताएं भी लिखता था ये, और आशुलिपिक भी था ये, स्वयं देखो लिखा है ना, संगीतकार था ये स्वयं वाद्य यंत्र बजाता था और स्वरचित गीत भी गाता था, यानी ये लियोनार्डो द विंची के बारे में। अब इसमें जो जो प्रश्न आया था वो 2021 का प्रश्न है, ये 20 शब्द में देना था, 20 शब्द में नहीं है, इसका उत्तर एक ही शब्द में है, केवल एक शब्द है, वो मैं आगे बताऊंगा इसको, देखो एक ही शब्द में उसका उत्तर है, बाकी ज्यादा नहीं है। तो इसमें किताबें कौन कौन सी लिखी है, लास्ट सपर लिखी है, लास्ट सपर लिखी, मोनालिसा लिखी, मोनालिसा लिखी है, ये एक लिखी क्या, ये चित्र है, सॉरी इनके ये चित्र है मोनालिसा और द लास्ट सपर। लियोनार्डो का ये प्रसिद्ध चित्र है लास्ट सपर, जिसमें ईसा मसीह और उनके जो शिष्य थे वो एक अंतिम भोज, लास्ट जो ईसा मसीह को गिरफ्तार किया गया, फांसी दी गई, उससे पहले का ये भोज का आयोजन किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि उनके 12 शिष्य हैं, 12 शिष्य थे, जिसमें जुडास नामक शिष्य विरोधियों से मिला हुआ था, और चित्र को देखोगे ना तो जुडास के भाव भंगिमाएं थोड़ी सी डरावनी सी, थोड़ा डरा हुआ सा बताया गया है, और ये बात ईसा मसीह को पता था, ईसा मसीह को पता था कि जुडास है वो विरोधियों से मिला हुआ है, उसके चेहरे के भावों से मिलता है, और ईसा मसीह को भी इसकी जानकारी थी। ये चित्र मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्रोजी चर्च में, ये प्रश्न इसका उत्तर है, यानी जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर ये है, जो दोबारा भी पूछ सकते हैं, कहां कहां लिखा ये, मिलान, इटली के मिलान शहर में, इटली के मिलान शहर में है ये, इटली के मिलान शहर में सांता मारिया डेल ग्रोजी चर्च में मिलता है, मैं चर्च की दीवार पर चित्रित है ये लास्ट सपर का। तो देखो ये कहाँ गया, ये देखो अब प्रश्न क्या आया था, द लास्ट सपर, द लास्ट सपर का चित्रांकन कहाँ हुआ था, मिलान के सांता मारिया डेल ग्रोजी चर्च में। फिर दूसरा आता है मोनालिसा, मोनालिसा एक महिला है, एक ऐसी महिला जिसकी मुस्कान आज भी रहस्य बनी हुई है, ये काल्पनिक नहीं है, ये चित्र काल्पनिक नहीं है, मोनालिसा एक व्यापारी की पत्नी थी जिसकी मुस्कान से प्रभावित होकर मोनालिसा ने उस व्यापारी की अनुमति से लगभग 4-5 साल के अथक प्रयासों के बाद ये चित्र बनाया था।
ये एक प्रश्न दो नंबर का था, ये दो नंबर का था, उत्तर यहीं पर है इसका, उत्तर इतना ही है इसका, ये मिलान वाली, ये इतना ही उत्तर है इसका। मैंने इसकी पूरी डिटेल बता दी इसकी, लियोनार्डो द विंची की। अब ये एक प्रश्न आया हुआ है, 50 शब्द में उसका उत्तर देना है, 50 वर्ड्स में उत्तर देना है। 2021 का था, 2021 का प्रश्न था ये, कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना करो, यानी बौद्धिक चेतना की, यानी जो अमेरिका की क्रांति हुई थी उस क्रांति को बढ़ाने में, उस क्रांति को गति प्रदान करने में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी, वैचारिक क्या भूमिका थी और बौद्धिक चेतना की क्या भूमिका थी, एक ही बात है, यानी शिक्षा का, साहित्य का, पत्रकारिता का क्या योगदान है इनमें, शिक्षा का क्या योगदान है क्रांति में, साहित्य का क्या योगदान है और पत्रकारिता के विकास से अमेरिका में बौद्धिक जागृति आई, क्या क्या काम हुए वो बताने। बौद्धिक चेतना की शुरुआत पेंसिल्वेनिया से हुई है, जहां क्वेकर समुदाय ने शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। क्वेकर एक समुदाय है, क्वेकर एक समुदाय है जो ब्रिटेन से विस्थापित होकर, या ब्रिटेन से जिन लोगों को निष्कासित कर दिया, या ब्रिटेन की जो धार्मिक प्रताड़ना थी उससे दुखी होकर, ब्रिटेन में जो वहां का उस समय का जो शासन था उससे दुखी होकर जो लोग अमेरिका चले गए थे, उनका एक समुदाय था क्वेकर समुदाय। तो उन्होंने शिक्षण संस्था स्थापित की मैसाचुसेट्स में, मैसाचुसेट्स में के कैम्ब्रिज में हॉवर्ड कॉलेज की स्थापना हुई, यानी शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई। वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज की स्थापना हुई 1693 में। कैम्ब्रिज नगर में पहला छापाखाना स्थापित हुआ, जिससे साहित्य का, साहित्य लेखन हुआ, साहित्य का प्रकाशन हुआ। और 1604 में बोस्टन नगर में बोस्टन न्यूज लेटर नाम से पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो इससे क्या हुआ, वहां के लोगों में साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता के माध्यम से चेतना जागृति हुई। इसके अलावा 1775 में थॉमस पेन ने किताब लिखी थी कॉमन सेंस, पुस्तक में अमेरिका में देश प्रेम की भावना को जागृत किया। ये ध्यान रखने वाली बात, अमेरिका में देश प्रेम की भावना को जागृत करने वाला कवि लेखक कौन था, थॉमस पेन था, जिसने अपनी किताब थी कॉमन सेंस। इसके अलावा जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। ये व्यापारी थे, कोई उद्योगपति थे, कुछ लेखन कार्य कभी करते थे। पैट्रिक हेनरी ने नारा दिया कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मुझे मृत्यु दे दो। ये बातें पत्रकारिता के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जनता तक पहुंची कि हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं। पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प अधिनियम का विरोध किया और प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो ये मैंने पूरी डिटेल बता दी आपको, वहां आपको शुरुआत वाली चीज लिखी, थॉमस पेन को जरूर लिखना है आपको अगर ऐसा प्रश्न वापस आ जाए तो, हो सकता है रिपीट हो सकता है, मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। अब ये बड़ा प्रश्न है, 100 शब्द में लिखना है, जबकि मैंने उसका उत्तर पूरा आपको पूरा डिटेल से आपको इसको बताया है, पूरी डिटेल दी है इसमें कि औद्योगिक क्रांति ने केवल प्रौद्योगिकी क्रांति नहीं थी, औद्योगिक क्रांति क्रांति ये नहीं हटाओ, औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिक क्रांति थी, ये केवल तकनीकी क्रांति नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को परिवर्तित किया। ये कहना चाहते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है ये केवल तकनीकी क्रांति नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी, यानी आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ, क्रांति हुई। जो क्रांति के बाद, यानी ये जो आर्थिक और सामाजिक क्रांति हुई, इस क्रांति ने बाद में लोगों की जीवन शैली को बदल दिया। तो कहने का मतलब है सामाजिक और आर्थिक क्रांति किस प्रकार थी वो बताया गया है इसमें। अब मैं इसमें आपको पूरी एक एक डिटेल नहीं बताने जा रहा हूं, यानी आर्थिक परिणाम अथवा प्रभाव क्या क्या हुआ, तो कि उत्पादन में वृद्धि हुई। अब इसकी डिटेल है,
उत्पादन वृद्धि हुई, पहले घरेलू कुटीर उद्योग थे, बाद में मशीनें आ गई, मशीनों का आविष्कार हुआ, ब्रिटिश के पास पैसा आया, नई मशीनें बनी, कच्चा माल प्राप्त किया, उपनिवेशों से कच्चा माल मिला, उपनिवेशों के रूप में उनके तैयार माल के लिए बाजार मिल गया, तो उससे उत्पादन में वृद्धि हुई। ये पहला पॉइंट है इसका, और इसके आगे इसमें डिटेल दे रखी है। घरेलू उद्योगों का विनाश हुआ, यानी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो नई तकनीकी का विकास हुआ, कच्चे माल का आयात हुआ, ज्यादा ज्यादा कच्चा माल प्राप्त हुआ, तो जो पुरानी परंपरागत घरेलू कुटीर हाथ से उत्पादन करने की प्रणाली थी वो वहां पर समाप्त हो गई। अब क्या हुआ, अब इसका प्रभाव क्या हुआ, नए उद्योग स्थापित हुए, कृषि का पतन हुआ, यानी गांवों में जो वैसे ब्रिटेन में कृषि बहुत कम होती थी, एरिया कम है तो कृषि कम होती थी, तो वहां से लोग हैं शहरों की ओर आने लगे, शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी, शहरों में गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी, जीवन है लोगों का बहुत ही संकटमय हो गया। फिर धीरे उसका परिणाम देखो कहां, फिर वो कारखाना अधिनियम तक आ जाता है, कारखाना अधिनियम तक आ जाता है कि कैसे कैसे, फिर कारखाना अधिनियम की मांग हुई, यानी मजदूरों के लिए कार्यों को घंटे निर्धारित करने की बात की गई, उनके अवकाश की बात की गई, उनके लिए बीमा की बात की गई, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की गई है, तो ये उनके जीवन शैली में बाद में परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। तो घरेलू उद्योगों का विनाश हुआ है, औद्योगिक क्रांति ने कुटीर उद्योगों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अब क्या, बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा, गुणवत्ता वस्तुओं की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, बड़े कारखानों की स्थापना हुई, बड़े कारखानों की स्थापना हुई, छोटे कारखाने समाप्त हो गए तो बड़े कारखाने का स्थापना किया जाने लगा था, और उन कारखानों में मैनेजमेंट की प्रबंधन का अध्ययन किया जाने लगा। पब्लिक एड में इस प्रकार के कुछ उदाहरण आते भी हैं। तो बड़े कारखानों की स्थापना हुई, फैक्ट्री पद्धति की स्थापना हुई, यानी बड़े कारखानों में फैक्ट्री पद्धति अपनाई गई जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी, यानी छोटे उद्योगों का पतन हुआ, बड़े कारखानों की स्थापना हुई, फैक्ट्री पद्धति की स्थापना हुई। यानी फैक्ट्री पद्धति का मतलब क्या हो गया, एक ही स्थान पर, यानी वस्तु का उत्पादन, वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना, निरीक्षण करना, पैकिंग करना, पूरा फाइनल होकर के उस वस्तु को बाहर भेज दिया जाता था। श्रम विभाजन, स्पेशलाइजेशन हुआ, विशिष्टीकरण हुआ कार्यों का, तो क्या हो गया, फैक्ट्री। जैसे देखो हजारों लोगों को एक साथ कारखाने में काम करना, कार्य विभाजन हो गया, श्रमिकों पर निरीक्षकों की नियुक्ति की गई, मशीनों का यांत्रिक शक्ति से चलना, ये फैक्ट्री की विशेषता है। पूंजी का विशेष उद्योगों में फंसा होना, श्रम के मूल्य को लेकर मजदूर मालिक संघर्ष, इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने वर्ग संघर्ष को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, वर्ग संघर्ष भी उत्पन्न हुआ। फिर वो कार्ल मार्क्स को पता ही है आपको, रूसो पता ही है आपको, ये बात की बात है, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ ये सारा लिखना है वहां पर। विशेषज्ञता का विकास हुआ, वही स्पेशलाइजेशन हुआ, विशिष्टीकरण हुआ, यानी एक वस्तु है, प्रारंभ में एक वस्तु का कच्चे धागा तैयार करने से लेकर के वस्तु की पैकिंग तक एक ही आदमी करता था या परिवार के लोग करते थे। अब क्या हुआ, धागा कोई और बनाएगा, सूत कोई और बनाएगा, धागा कोई और बनाएगा, फिर उसको कपड़े के रूप में और बनाएगा, रंगने का काम कोई और करेगा, तो ये विशिष्टीकरण हुआ कार्यों का। नए नगरों का विकास हुआ, बिल्कुल हुआ, नए नगरों का, ब्रिटेन में नए नगरों का, नए औद्योगिक नगरों का, बंदरगाहों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति की तकनीकी विकास नहीं कर रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक कर रहे हैं। ये आर्थिक परिवर्तन हुआ है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई, बिल्कुल बेरोजगारों की समस्या बढ़ी, पहले कृषि पर ज्यादा दबाव था तो कृषि से जो मजदूर हैं या भूमिहीन मजदूर हैं वो मजदूर शहरों में आने लगे और शहरों में उनकी संख्या बढ़ी, इतना तकनीकी विकास नहीं हो पाया था, लेकिन जितना हुआ उससे ज्यादा, उसकी ज्यादा तुलना में मजदूर आने लग गए वहां पर। देखो इन क्रांति से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में संलग्न था क्रांति से पहले, लेकिन क्रांति के फलस्वरूप बहुत से लोगों का काम मिलना कठिन हो गया और इन बड़े बड़े यंत्रीकृत कारखानों से कई व्यक्तियों को काम कम समय में होना संभव हुआ। और समय समय पर व्यापारिक मंदी के दौरान भी कारखानों में मजदूरों की छटनी की जाती थी जिससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी। राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण मिला, यानी अब क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, तो उस समय के देश क्या चाहते थे, ब्रिटेन विशेषकर या जो भी उद्योग क्रांति से प्रभावित देशों ने क्या किया, अधिक से अधिक निर्यात और कम से कम आयात पर बल दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, आयात पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, उत्पादित वस्तुएं जो बाहर से आयात होकर आती थी
निर्मित वस्तुओं उन पर टैक्स लगा दिया ताकि वो महंगी बिके, अपनी वस्तुओं को सस्ता किया गया, यानी राष्ट्रीय उत्पादन को महत्व दिया जाने लगा, अन्य राष्ट्रों की निर्मित वस्तुओं पर भारी आयात कर लगाया जाने लगा ताकि वे स्वदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा न कर सके, यदि करें भी तो अधिक मुनाफा न कमा सके। परस्पर निर्भरता बढ़ी, औद्योगिक विकास से विभिन्न देशों में आपस में निर्भरता बढ़ी। जरूरी थोड़ी है कि एक देश है वो अपने सारा सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो परस्पर निर्भरता बढ़ गई। संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों की स्थापना हुई, यानी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप इसको देख सकते हो। औद्योगिक क्रांति से पूर्व उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती थी, क्यों? क्योंकि घरेलू कुटीर उद्योग से हाथ से उत्पादन होता था। अब क्या हुआ, मशीनें से उत्पादन होने लगा, मशीनें महंगी होती थी। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन की विधि में परिवर्तन हुआ और विशाल पूंजी की आवश्यकता पड़ने लगी, जो कि एक व्यक्ति के लिए जुटाया जाना संभव नहीं था, सामर्थ्य से बाहर था। तो फिर क्या हुआ, 5-7 व्यापारियों ने मिलकर कंपनी स्थापित कर ली। प्रारंभ में ऐसी कंपनियां असीमित दायित्व वाली थी, किंतु बाद में 1862 में सीमित दायित्व वाली कंपनियों की स्थापना हुई। यानी ये कम से कम ये पॉइंट तो आपको वहां लिखना ही, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का विकास। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ती थी निवेश के लिए, जो एक व्यक्ति के पास इतना संभव नहीं था, तो कुछ लोगों ने मिलकर के नई कंपनियां स्थापित की, संयुक्त कंपनियां स्थापित की। पूंजीपतियों व श्रमिकों के संबंधों में परिवर्तन, संघर्ष शुरू हुआ। नियोजक और नियोजित पूंजीपति और श्रमिकों के संबंधों में परिवर्तन हुआ। घरेलू उत्पादन प्रणाली में नियोजक नियोजित या तो एक ही परिवार के सदस्य होते थे या फिर उनकी संख्या बहुत कम होती थी और आपस में पारिवारिक संबंध हो जाते थे, लेकिन अब वो संबंध नहीं रहा। अब व्यापार व्यापारी और पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में वो संबंध नहीं रहा जो पहले घरेलू व्यापार घरेलू या ऐसे अच्छे संबंध थे जैसे घरेलू कुटीर उद्योगों में के समय। परंतु संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों की कारखाना प्रणाली में श्रमिक मशीन का एक पुर्जा मात्र रह गया और उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे पूंजीपति श्रमिक वर्ग पर हावी होने लगे। क्यों? क्योंकि मजदूरों का शोषण शुरू हो गया था। पहले क्या होता था, हाथ से उत्पादन होता था तो कौशल उसकी अंगुलियों में होता था, कुशलता होती थी। अब क्या काम कर रहा है, मशीनें काम कर रही हैं, केवल धागे को दाएं बाएं करना है और कपड़ा बन रहा है, कुछ नहीं करना। स्विच ऑन किया, मशीन चालू हो गई, केवल धागे को और शटल चेंज करनी है और कुछ नहीं करना चेंज। पूंजीपतियों का औद्योगिक अधिकार, अब पूंजीपतियों के पहले छोटे उद्योग थे, अधिक से अधिक अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता था और अधिकतम स्वामित्व था, हर घर एक कुटीर उद्योग के रूप में था। अब क्या हुआ, बड़े कारखाने स्थापित हुए तो पूंजीपतियों का उस पर एकाधिकार हो गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े कारखानों और संयुक्त स्कंद प्रमंडल अस्तित्व में आए, यानी संयुक्त कंपनियां स्थापित आई, जिन पर धीरे धीरे पूंजीपतियों का एकाधिकार सा हो गया। श्रमिक संघ की स्थिति बहुत ही दयनीय और शोचनीय हो गई। उद्योगों पर पूंजीपतियों का एकाधिकार होने से पूंजीपतियों का राजनीतिक सत्ता पर भी प्रभुत्व बढ़ गया। ये उसका परिणाम है कि बाद में उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। ये देखो, ये परिवर्तन हुआ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बाद में उसका क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये तो आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा। प्रश्न को ध्यान में रखना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ करके उसका देना है कि क्या इसका। मैंने तो उसका पूरा उत्तर दिया है, दोनों चीजें आ रही है इसमें, इसमें उसका आर्थिक आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और उन परिवर्तनों के प्रभाव। बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का संगठन, ये उसका प्रभाव है बाद के जीवन में। पूंजीकरण, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला, उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला, नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला, ये उसके बाद के जीवन में परिवर्तन है। उत्पादन, बैंकिंग और बीमा व्यवसाय का संगठन, यानी उत्पादन वृद्धि, व्यापार क्षेत्र की वृद्धि से जोखिम का क्षेत्र बढ़ा और उनकी अन्य साख संबंधी आवश्यकताएं बढ़ी। इन समस्याओं का समाधान बैंकिंग संस्थाओं और बीमा कंपनियों के संगठन के द्वारा, यानी शुरुआत में क्या था, कुटीर उद्योग थे तो थोड़ी सी पूंजी से भी काम चल जाता था, उतनी पूंजी तो घर में भी रहती थी, लेकिन जब ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ी, पूंजी को ट्रांसफर किया जाने लगा, पूंजी को हस्तांतरित किया जाने लगा, तो फिर बीमा और बैंकिंग संस्थाएं आई कि आप हमारे पास पैसे जमा करवाओ, इसके बदले में आपको ब्याज मिलेगा, बचत जमा करवाओ, और पैसा ट्रांसफर करने भी आसानी रहती थी।
आर्थिक संकटों की उत्पत्ति हुई, हाँ, आर्थिक मंदी आने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, उपभोक्ता व उत्पादकों के बीच प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया, ये इसके परिणाम है। उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ, कुछ क्षेत्रों में कुछ निश्चित प्रकार के उद्योग स्थापित होने लगे। पहले क्या था, पूरा गांव है तो गांव में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उद्योग स्थापित है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे मैनचेस्टर है, तो मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर वस्त्र उत्पादन का केंद्र बन गया। जैसे एक जगह थी यॉर्कशायर थी, तो वहां पर नमक उत्पादन का केंद्र बन गया, समुद्र के तट पर था। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े पैमाने की उत्पत्ति, बड़े पैमाने पर उत्पत्ति, कारखाना प्रणाली, कोयले की शक्ति के उपयोग के कारण उद्योग धंधे, कोयला क्षेत्र, कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित होने लगा। यानी उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ किसी स्थान विशेष पर, उद्योगों का केंद्रीकरण। उद्योगपतियों ने संगठन बनाना शुरू किया, औद्योगिक संगठन बने, उद्योगपतियों का चैंबर स्थापित हुआ, ताकि वो सरकार से अपने अनुकूल नीतियां बनवा सके। विकास दर में वृद्धि हुई, बिल्कुल है, विकास दर आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, यातायात के साधनों का विकास हुआ है, सड़कें बनी थी, डामर की सड़कें बन गई थी औद्योगिक क्रांति के दौरान, मशीनें बन गई, बाप का इंजन बन गया, मोटर बन गई, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये मध्यम वर्ग है जो बाद में विभिन्न देशों में क्रांतियों में स्वतंत्र आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, चाहे चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका तो पहले हो गया था, रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, उनके एकीकरण में, जर्मनी और इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। मध्य ये जो फ्रांस की क्रांति है वो मध्यम वर्ग की क्रांति थी। बड़े पैमाने पर कृषि का यंत्रीकरण हुआ है, खेती में काम आने वाली मशीनें बनी, अब जो पहले हाथ से खेती होती थी, मानव मतलब मानव के द्वारा, अपने छोटे पुर्जों के द्वारा, कैंची फावड़े के द्वारा, यानी छोटे पुर्जों के द्वारा खेती होती थी, अब वो खेती क्या हो गई, खेती का, कृषि का यंत्रीकरण हो गया, व्यवसायीकरण हो गया कृषि का। अब ये क्या था, सामाजिक, ये आर्थिक था, अब सामाजिक क्या होगा। अब देखो कितना बड़ा बताया मैंने, अब आप इसको देखोगे तो मेरे जो अगर नोट्स वहां से प्रिंट निकालते हो या नोट करते हो, तो आपको हेडिंग करनी है, उसको पूरा पढ़ना है, और मेन मेन पॉइंट है वो आप नोट कर देना। पूरा पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर एक पृष्ठभूमि तैयार होगी पूरी की पूरी, कि अच्छा ये आर्थिक परिवर्तन हुआ। थोड़ा सा मैंने जो जो टॉपिक दिए हैं, जो मैटर लिखा है ना, वो इंटरकनेक्टेड भी है आपस में, एक दूसरे का मतलब कारण कारण परिणाम से है, कारण है और इसका ही परिणाम है, ये कारण है इसका परिणाम है। अब सामाजिक परिणाम अथवा प्रभाव क्या है, औद्योगिक क्रांति से सामाजिक परिणाम भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जहां एक और औद्योगिक क्रांति से भौतिक समृद्धि के नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, अब देखो ये चीजें देखो, सामाजिक उत्पीड़न, वर्ग संघर्ष, शोषण की शुरुआत हुई, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये परिणाम है, ये बाद में, ये फिर इसी से रूसो और मार्क्स और रूसो उत्पन्न हुए थे, यानी मार्क्स और रूसो इन्हीं के परिणाम स्वरूप हुआ, वो नई विचारधारा के प्रतिपादक बने। अब मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मैं पहले ही बता चुका हूं, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, औद्योगिक विकास के लिए पूंजी अथवा व्यावसायिक बुद्धि की आवश्यकता थी, सामंतों के पास पूंजी तो थी पर वह समाज का वह वर्ग उद्योगों की स्थापना को निम्न कर्म समझता था, तो वो अब वो उद्योगों की स्थापना कौन करेगा, मध्यम वर्ग करेगा। मध्यम वर्ग के लोगों के पास पूंजी भी थी और व्यवसाय बुद्धि भी थी, और इस वर्ग ने औद्योगिक विकास में रुचि ली, यानी मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग से, मध्यम वर्ग के पास पैसा भी था, बुद्धि भी थी और समय भी था, और उनके लिए ऐसा इज्जत का मतलब, जो सामंत थे, बड़े व्यापारी थे, उनके लिए तो सामंतों के लिए पूंजी थी, लेकिन उसके पास उनके द्वारा छोटे उद्योग स्थापित करना बेइज्जती का विषय मानते थे वो। ऐसे लोग जो न तो मजदूरी कर सकते थे, न बड़े उद्योगों की स्थापना कर सकते थे, उन्हें व्यवसायिक कार्यों, दलाली, ठेकेदारी आदि कार्य पर प्रारंभ कर दिया, यानी जो कि भाई मुझे मजदूरी भी नहीं करनी है और ना मेरे पास कोई ज्यादा पैसा है कि मैं उद्योग स्थापित करूं, तो उसने ठेकेदारी शुरू कर दी, दलाली का शुरू कर दिया, बिचौलिए का काम शुरू कर दिया। समाज में नया वर्ग भेद पैदा हुआ, जैसे मध्यकालीन समाज तीन भागों में बटा हुआ था, पादरी, सामंती और निम्न वर्ग,
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामंतों का क्या हो गया, सामंतों का पतन हो गया और पूंजीपतियों ने ले लिया। उद्योगों को सही रूप से चलाने के लिए वैज्ञानिक कुशल शिल्पियों प्रबंधकों की आवश्यकता थी। इससे एक नया शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त औद्योगिक श्रमजीवी वर्ग सामाजिक जीवन का अंग बन गया। इस प्रकार समाज में तीन नए वर्ग उदय हुए, कौन सा, पूंजीपति वर्ग, शिक्षित वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो नया वर्ग पैदा हुआ समाज में, नए वर्ग कौन कौन से, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और शिक्षित मध्यम वर्ग। श्रमिकों की दुर्दशा हुई वही, जब गांवों से शहर की ओर आए, रहने के लिए मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, साफ सुथरा वातावरण नहीं है, औद्योगिक प्रदूषण बढ़ रहा है, उनकी जीवन दुर्दशा खराब हुई, बीमारियां फैलने लगी। ब्रिटेन में बहुत भारी भारी बीमारियां फैली थी उस दौरान, ब्लैक डेथ जैसी। तो इन बीमारियों से फिर क्या हुआ, झुग्गी झोपड़ियों या मलिन या गंदी बस्तियों का विकास हुआ। अब मजदूर इन प्रतिकूल दशाओं में शुद्ध हवा नहीं है उनके लिए, शुद्ध पानी नहीं है, 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है। अब मशीनों पर काम करना इतना सुरक्षित भी नहीं था, वहां सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो मशीनों के हाथ आ गया, टांग आ गई, मर जाते थे मजदूर। तो अब क्या हुआ, और मिल मालिकों ने कोई दायित्व नहीं लिया उसके ऊपर। तो धीरे धीरे मजदूरों में आक्रोश फैला, उन्होंने संगठन बनाना शुरू किया। तो ये मजदूरों की दशा खराब हुई, और ये उसका परिणाम भी है, एक सामाजिक कारणों में से इसका ये परिणाम है कि बाद में मजदूर संघ बने, कारखाना अधिनियम बने, उसमें 8 घंटे का काम निर्धारित कर दिया गया, 1 घंटा छुट्टी कर दी गई, 7 दिन में 1 दिन की अवकाश दे दिया गया, मेडिकल सुविधाएं दी गई, जनसंख्या में वृद्धि हुई। 18वीं से मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप की जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हुई। जनसंख्या की इस अप्रत्याशित वृद्धि को औद्योगिक क्रांति का एक कारण भी माना जा सकता है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि इस काल में मृत्यु का अनुपात पहले की अपेक्षा कम हो गया। चिकित्सा शास्त्र की महत्वपूर्ण खोजों, जीवन की परिस्थितियों में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो सुधार हुआ, नई तकनीकी आई, नए आविष्कार हुए, तो उससे क्या हुआ, जनसंख्या जो मृत्यु दर थी वो धीरे धीरे कम हो गई। ग्रामीण जनसंख्या में कमी आई, मैं पहले ही बता चुका, जो लोग खेती में लगे हुए थे, खेती इतनी लाभदायक नहीं थी, तो वो शहरों में आ गए और वो जनसंख्या वहां कम हो गई, शहरों की जनसंख्या बढ़ गई। अब कृषि का यंत्रीकरण हो गया, जितने व्यक्ति पहले कृषि कार्य में लगते थे, अब ये भी एक कारण है, यंत्रीकरण हो गया। पहले एक खेत में 50 बीघा का खेत है, 5 लोग काम कर रहे हैं, चल जाता है, 5 लोग 7 लोग काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ट्रैक्टर आ गए, थ्रेसर आ गया, तो 5 लोगों की जरूरत ही नहीं, उस खेत में 2 जने ही काम कर लेते हैं, सारा काम मशीनों से हो रहा है, तो 3 जने हैं वो क्या कर दिए, शहर में आ गए। जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ वही, जैसे औद्योगिक क्रांति के कारण जनसंख्या के भौगोलिक और व्यावसायिक वितरण में भी बहुत परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में कई ऐसे क्षेत्र थे जो पहले अपेक्षित थे, अब कारखाना खुल जाने के कारण या कोयला और खनिज का भंडार मिल जाने के कारण आबाद हो गए, तो वहां लोग आने शुरू हो गए। दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी थे जो पहले कृषि प्रधान कुटीर उद्योग व्यवस्था में महत्वपूर्ण थे, किंतु अब उनका महत्व कम हो गया, यहाँ लोग अन्यत्र चले गए। संयुक्त परिवार प्रथाएं टूट गई, यानी लोग जब गांवों से शहरों की ओर आ गए तो संयुक्त परिवार प्रणाली टूट गई, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया। कारखाना पद्धति से श्रमिकों को निश्चित समय तक काम करना पड़ता था, इसलिए वे अपने परिवार के सदस्यों से अलग रहना पड़ता था, तो ये ध्यान रखना है। उससे व्यभिचार, अनाचार, अब न्यूक्लियर फैमिली जब संयुक्त परिवार टूट गया तो परायणता की स्वार्थ परायणता बढ़ गई, अनाचार दुराचार बढ़ गया, नैतिक पतन हुआ समाज का। जन स्वास्थ्य सेवाएं, अब वही बात है, तो पहले मलिन बस्तियां बढ़ी, स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा नहीं होने पर क्या हुआ, स्वास्थ्य की समस्या बढ़ी, पीने के लिए पानी नहीं था, प्रदूषित हवा थी, प्रदूषण फैला, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले प्रदूषण नहीं था, लगभग शून्य के बराबर ही था, जब उद्योग ही नहीं है, सारा काम हाथ से हो रहा है, लेकिन औद्योगिक क्रांति हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि क्लोरीन गैसों की मात्रा बढ़ने लगी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। उससे क्या हुआ, स्वास्थ्य संबंधित नए योजनाएं आने लगी, गंदी बस्तियों की समस्या बढ़ी, वही
जो औद्योगिक क्रांति से गंदी बस्तियों का विकास में महत्वपूर्ण पर्याप्त योगदान दिया। गंदी बस्तियां बढ़ी, गांव से शहर में आए, शहर में रहने के लिए जगह नहीं है, मकान नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियां बना दी, गंदी बस्तियां बना दी। बस्तियां बनी तो गंदी अपने आप हो गई ना, व्यवस्था नहीं थी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, तो बस गंदी अपने आप, बस्तियां तो बसी तब ठीक थी लेकिन बाद में अपने आप गंदी हो गई। जीवन स्तर में उन्नति हुई, हाँ, चमक तमक शहर में पैसे मिलने लगे, तड़क बड़क की जिंदगी जीने लगे, हैं, अच्छा कपड़ा, तेल, पाउडर, फर्नीचर, यातायात के उन्नत साधन, मनोरंजन के साधन बढ़े, सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई। मनोरंजन के साधनों में वृद्धि हुई, सिनेमा आया, रेडियो आया, टेलीविजन, नए किस्म के मनोरंजन के साधन आए, शिक्षा के प्रति चेतना बढ़ी। क्यों? अब अधिकांश लोग न केवल बच्चों को शिक्षित बनाने की लालसा रखने लगे, अपितु वे स्वयं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख कर अपने समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो जीवन है, घटनाक्रम है, उनमें सक्रिय भाग लेने लगे, शिक्षा देने के लिए प्रबंधन भी किए जाने लगे। अब ये अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के यूरोपीय प्रबोधन को परिभाषित, यानी 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, जो वैचारिक बौद्धिक क्रांति हुई थी, वो क्या थी? कि यह वह अवधि है जिसे बौद्धिक आंदोलन 17वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1815 तक चला। इस युग को तर्क का युग भी कहा जाता है। इस काल में वैचारिक दार्शनिकों ने राज्य की भूमिका, अधिकारों की वैधता, स्वतंत्रता की अवधारणाओं पर सवाल उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र स्वरूप स्वतंत्रता, प्रगति, सहिष्णुता, बंधुता जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया और संवैधानिक शासन, चर्च और राज्य को अलग करने का आह्वान किया गया। ये मतलब ये पूरी 18वीं शताब्दी के यूरोप, यानी 1700 से लेकर के 1800 तक का जो यूरोप में जो परिवर्तन हुए विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति के साथ में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, किस पे प्रभाव बताना है? राजनीति पर प्रभाव बताना है, 100 शब्द का प्रश्न है। राजनीति पर प्रभाव बताना है यानी दूसरे विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम बताने हैं। तो देखो कौन कौन से, देखो यूरोप को दो विचारधाराओं में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से? साम्यवादी और पूंजीवादी। यूरोप में समाजवाद, साम्यवाद, लोकतंत्रवाद में विभाजित हो गया और दोनों एक दूसरे के विपरीत और विरोधी विचारधाराएं थी। साम्यवाद उत्पत्ति के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करना चाहता है और समाज में संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव न हो, ऐसा साम्यवाद चाहता है। श्रम किए बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर लोकतंत्रवादी विचारक संपत्ति निर्माण, विनिमय, वितरण पर कानून का नियंत्रण स्थापित कर पूंजीपतियों, मजदूरों, किसानों के बीच में समन्वय स्थापित करने के पक्षधर थे। पश्चिमी देश पूंजीवाद और पूर्वी देश साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका, ब्रिटेन के द्वारा किया गया, जबकि साम्यवाद का नेतृत्व रूस के द्वारा किया गया। तो ये उसके क्या थे? राजनीतिक प्रभाव थे। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र की सरकारें असफल हो गई थी और उसी असफलता के परिणाम स्वरूप दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो दूसरे विश्व युद्ध ने लोकतंत्र समर्थक मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इतना से लिख सकते हो, लोकतंत्र की स्थापना हुई। हिटलर, मुसोलिनी, जनरल फ्रैंको, तानाशाही समर्थकों का अंत हुआ और यूरोप में कई लोकतांत्रिक देशों का, जनतांत्रिक देशों का उदय हुआ। पूंजीवाद के समर्थन से पश्चिमी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में क्या था? साम्यवाद था, पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद था। राष्ट्रीय की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का दुर्बल होना, कैसे? कि तकनीकी और वैज्ञानिक परिणाम स्वरूप मानव ने देश और काल पर विजय प्राप्त कर ली। जाति, वर्गों, कबीलों में विभाजित यूरोप के क्षेत्र में राष्ट्रीय देश स्थापित हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना कुछ दुर्बल हो गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र साम्यवाद संस्थाओं के रूप में स्थापित हुए, जबकि पश्चिमी यूरोप के देश स्वयं को साम्यवाद से बचने के लिए एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए। यानी राष्ट्र की भावना का दुर्बल होना प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन बाद में धीरे 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 राष्ट्र की भावना का विकास हुआ। स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे
कंबोडिया, लाओस, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्त हो गए, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो हॉलैंड से मुक्त हो गए, मलाया भारत, श्रीलंका, मिस्र ब्रिटेन की गुलामी से मुक्त हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही तो हुआ था ये सारा सारा। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हुआ, तो ये स्वतंत्र देश स्वतंत्र हुए तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का स्वतः ही अंत हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवादी भावना के कारण साम्राज्यवादी देशों को अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करना पड़ा। पैन भी लिखते हैं कि एशिया के पुनर्स्थापना की यह घटना अणुबम से भी अधिक विस्फोटक थी। यानी एशिया के पुनर्स्थापन के मतलब क्या हुआ, एशिया में चीन, भारत, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे देश है जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, वो सारे के सारे आजाद हो गए। कुछ साम्राज्यवादी देशों की राष्ट्रीय सरकारें उपनिवेश में स्थापित थी, उनका अंत हो गया। यूरोपीय शक्तियों को अजय होने का मिथक का अंत हो गया। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये माना जाता था कि यूरोप में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कभी भी हार नहीं सकती, उनका अंत नहीं होगा, और अंत हो गया। ब्रिटेन का अंत हुआ, ब्रिटेन का शासन अंत हुआ, जर्मनी का अंत हो गया, जर्मनी हिटलर है, मुसोलिनी है, फ्रेंको है। यानी ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, जो पराजित हो गया। यूरोपीय उपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना एशिया को सभ्य बनाने के लिए हुई थी। यानी व्हाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ, आप देखो व्हाइट मैन बर्डन, कि हम ब्रिटेन ने भारत पर या एशियाई देशों पर या काले लोगों पर शासन किया, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए श्वेत लोगों का भार है, श्वेत लोगों का भार है, तो ये हम उनको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। ईश्वर ने हमें इन राज्यों पर शासन इसलिए दिया है कि हमें उनको सभ्य बनाना है। तो इस सभ्यता का जो ढकोसला था उनका भी अंत हो गया कि हम भी सभ्य हैं। अरे तुम कहाँ से सभ्य हो, जिस युग में तुम नंगे बुंगे घूमते थे उस समय हमने कपड़ा बनाना सीख लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यूरोप की क्या स्थिति थी, कुछ देश ही थे जिनके बारे में जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय, मध्य एशिया में ही जिनका भारत के साथ व्यापारिक संबंध थे, मेसोपोटामिया है, ईरान है, इराक है, मिस्र है। फ्रांस का दक्षिणी पूर्वी एशिया में सभ्यता का मिशन, ब्रिटेन का भारत में व्हाइट मैन बर्डन विचारधारा इसी उद्देश्य से थी। ये सभ्यता का मिशन फ्रांस कह रहा है कि हम मिशन है, ये मिशन है। परमाणु बम की शुरुआत हुई, अमेरिका ने बम फोड़ा, जेट विमान बने, फास्ट विमान बने। देखो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया, जो परमाणु युग की शुरुआत हुई, और इससे मानव की ऐसी शक्ति मिल गई कि वो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। जेट विमान बने, पनडुब्बियां का विकास हुआ। 1954 में अल्बर्ट स्विट्जर ने इसी विषय पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परमाणु विनाश की शक्ति के कारण ही मैक्स लर्नर ने वर्तमान युग का अति मार्गता की युग की संज्ञा दी। कॉल जैपर्स ने नए वैज्ञानिक हथियारों को नया तथ्य बनाया। तो ये तकनीकी विकास हुआ, मतलब परमाणु युग या तकनीकी विकास भी कह सकते हैं आप इसको। शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जो एक अपना साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था और दूसरा है पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध कमजोर हो गया, विश्व दो ध्रुवों में विभाजित हो गए, वही पूंजीपति और साम्यवादी विचारधारा में विभाजित हो गया। जो 1991 पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, साम्यवाद का नेतृत्व रूस कर रहा था, और 91 में जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ उससे फिर विश्व वापस एक ध्रुवीय हो गया। गुट निरपेक्ष विचारधारा का, ये 1963 की बात है, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, युगोस्लाविया, इन देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष देश की विचारधारा, कि हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना है, ना अमेरिका के गुट में शामिल होना है, ना रूस के गुट में शामिल होना है, हमें दोनों गुट से बराबर दूरी बनाए रखना है, और हमारी है, क्योंकि हम नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमें आधारभूत ढांचागत विकास के लिए पैसे चाहिएगे, और हमारे पास इतना पैसे है नहीं नव स्वतंत्र राष्ट्रों के पास, चाहे वो अफ्रीकी देश हो चाहे एशियन देश हो। तो उन्होंने दोनों देशों से अलग अलग बराबर दूरी बनाए रखी कि हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना, हमें जिस गुट की जरूरत होगी हम उस गुट के
गुड से नजदीकियां बढ़ा देंगे, अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे, फिर दूसरे गुड से अपनी आवश्यकता पूरी कर लेंगे, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार होगा। तो नव स्वतंत्र राष्ट्र यानी कुछ देश अमेरिका के साथ हो गए, कुछ देश रूस के साथ हो गए, लेकिन जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की नीति अपनाई और एक अलग गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। और ये कब की बात है, 1963 है, बेलग्रेड में 25 राष्ट्रों ने मिलकर के इसकी स्थापना की, जिसको नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट ग्रुप है, जिसका योगदान भारत, मिस्र और इंडोनेशिया को जाता है, युगोस्लाविया भी शामिल थे उसमें। क्यों? क्योंकि ये जो बेलग्रेड राजधानी है युगोस्लाविया की राजधानी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ये तो सबको पता होगा, राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ तो ये बताने की जरूरत क्या है, कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई इसका एक प्रश्न भी बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के चरण क्या है, आ सकता है प्रश्न मेंस में। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अंतिम रूप से लागू हुआ। 1960 के एक ही महीने में अफ्रीकी महाद्वीप के 16 देश इसके सदस्य बने। वर्तमान में किसी सदस्य संख्या 193 हैं, 193 देश दक्षिण सूडान है, 2011 का है, ये इतने लिखने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय संगठनों का उदय, जैसे सीटो है, नाटो है, सीटो और नाटो, नाटो है अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, और सीटो है ये रूस के नेतृत्व में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है ये। साम्यवादी देशों ने क्या बनाया, साम्यवादी देशों ने मिलकर एक वारसा पैक्ट बनाया पोलैंड में, इसके अतिरिक्त बगदाद पैक्ट बना। तो ये राजनीतिक परिवर्तन हुआ है दूसरे विश्व युद्ध के बाद का। फिर अब ये, अब देखो ये जितने भी प्रश्न आए थे वो आए हुए प्रश्न, अब मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं जो आ सकते हैं, संभावित प्रश्न है वर्ड हिस्ट्री से। पुनर्जागरण का अर्थ आ सकता है, अब मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा आपको, तो ध्यान रखना उत्तर मेरा आपको वहां मिल जाएगा, मेरे ऐप पर मिल जाएगा आपको, ये ऐप पर मैं अपलोड हो जाएंगे, वहां मिल जाएगा इसका उत्तर आप पीडीएफ फॉर्म में। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, तो पुनर्जागरण के दो रूप हैं, दोनों रूप मैंने बताए हुए हैं कि पुनर्जागरण किस किस रूप में हुआ, कैसे कैसे है, इसको सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कहते हैं, ये एक आंदोलन था। इसके अलावा देखो और पुनर्जागरण का विज्ञान पर प्रभाव है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है आरएस मेंस के लिए, आरएस मेंस के लिए इंपोर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन के बारे में बताना है, विज्ञान के, ज्ञान की प्राप्ति प्रेक्षण और प्रयोग से होती है। कॉपरनिकस के बारे में बताना है आपको कि कॉपरनिकस ने क्या क्या सिद्धांत दिया, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखा है, आपको इसको शॉर्ट में बता सकते हो, शॉर्ट में बता सकते हो कि उसने सूर्य केंद्रित, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत की स्थापना स्थान पर सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो टॉलमी प्लेटो अरस्तु सुकरात और टॉलमी कहते थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, जबकि ऐसा नहीं है, ये तो बहुत पहले हमारे जो वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट, उन्होंने पहले कह दिया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, जबकि ये ईसाई जो धर्मशास्त्र है उसमें ये लिखा है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य न होकर के पृथ्वी है, जबकि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, सूर्य तारे इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसके अनुसार, टॉलमी के अनुसार, जियोमेट्रिक सिद्धांत दिया। इसके विपरीत कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्र सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। जोएडिन बुर्नो के बारे में बताना है आपको, कॉपरनिकस के सिद्धांत को प्रचारित किया, बाद में उसको जिंदा जला दिया। जॉन केपलर ने कॉपरनिकस के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, इसकी किताब है मिस्टीरियस कॉस्मोग्राफियन। गैलीलियो के बारे में बताना है आपको, विज्ञान पर प्रभाव बताना है पुनर्जागरण, गैलीलियो के बारे में बताना है, दूरबीन का आविष्कार किया, सीडीरियस नंटियस नामक की पुस्तक लिखी थी उसने, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है इस सिद्धांत को चुनौती दी। ये पुराना वाला टॉलमी कहता था कि ये पृथ्वी बीच में है और सन है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसने कहा कि गैलीलियो ने ऐसा नहीं, गैलीलियो ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं देखो आओ मैं बताता हूँ, दूरबीन बनाई उसने और बताइए देखो क्या स्थिति है ब्रह्मांड में, ग्रहों की क्या स्थिति है। तो इसने अपने टेलीस्कोप के द्वारा ये सिद्धांत सिद्ध कर दिया
कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है ना कि पृथ्वी है। अरे ये सिर्फ दूरबीन से बताया, टेलीस्कोप से बताया है, आर्यभट्ट ने तो ऐसे ही बता दिया, यहां बैठे बैठे ही पृथ्वी का व्यास बता दिया, आपस में दूरी बता दी, ग्रहण होने के कारण बता दिए, तुम अब सोच खोज रहे हो। तो भारत का विज्ञान तो बहुत पुराना विज्ञान है, ये तो आजादी के बाद की कुछ हमारा सिस्टम ऐसा था जो देश की जो सभ्यता संस्कृति है, हमारा विज्ञान है, कुछ तो अंग्रेजों ने पतन कर दिया हमारे विज्ञान का, और कुछ बाद की सरकारों ने हमारे विज्ञान का पतन कर दिया। अन्यथा भारत का विज्ञान तो दुनिया का सबसे विकसित और सबसे परिशुद्ध और शुद्ध विज्ञान था, जहां कोई प्रश्न, जहां क्वेश्चन मार्क उठना ही संभव नहीं है। तो आप कहीं कोई भी ले लो ना, आप पुराने धर्मशास्त्रों को ले लो, हर चीज विज्ञान है, हमारे हर चीज विज्ञान है, हमारा मंदिर भी विज्ञान है, हमारा मंदिर भी वैज्ञानिक केंद्र है, बस वहां मशीन नहीं है, दूरबीन नहीं है, बाकी मशीन वो भी हमारा विज्ञान चिंतन का केंद्र है, मंदिर भी। विलियम हॉर्वे इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, इसने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वेसेलियस ने नीदरलैंड का था, इसने औषधि व शल्य प्रणाली का अध्ययन किया और द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी नामक पुस्तक लिखी। ये शॉर्ट में बताना है। ट्राइको ब्राहे डेनमार्क था, इसने क्या कहा कि आधुनिक वेदशाला का निर्माण करवाया वहां के राजा से क्या करके, और इसी सिद्धांत के आधार पर उसने इस वेदशाला से ही उसने सिद्ध किया ग्रहों की स्थिति का पता लगाया। रॉबर्ट बॉयल ने सिद्ध किया कि गैसों का आयतन दाब पर निर्भर करता है, कि गैसों का आयतन दाब पर है, अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और अगर दाब कम होगा तो आयतन बढ़ेगा। कैंपेलेना ने अरिस्टोटल के सिद्धांतों का विरोध किया और कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया। ये वैज्ञानिक है सारे के सारे पुनर्जागरण के बाद के। डेकार्ट ये गणितज्ञ और दार्शनिक था। इसने संशयवाद का यानी कॉजिटो इर्गो सम सिद्धांत दिया था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, और इसी आधार पर उसने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया। संदेहवाद का सिद्धांत प्रतिवाद, इसी को क्या कहते हैं, संदेहवाद कहते हैं। हेलमोट ने CO2 की खोज की। पैरासेल्सस ने समाजशास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र के संबंध में स्थापित किया। अब ये धर्म सुधार आंदोलन से बौद्धिक चेतना की भूमिका, यही प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन में बौद्धिक चेतना की क्या भूमिका थी। तो ये जैसे मार्टिन लूथर हैं, जॉन हस हैं, जॉन वाइक्लिफ हैं, इन्होंने यानी उस समय की जो धर्म सुधार के दौरान जो जितने भी जो समाज सुधारक थे, उन्होंने कैसे कैसे योगदान दिया धर्म सुधार को बढ़ावा देने, यानी इसमें मार्टिन लूथर जॉन हस वाइक्लिफ का योगदान बताना है आपको, दांते लॉरेंजो बुकासियो का योगदान बताना है, लियोनार्डो द विंची का योगदान बताना है आपको, रफेल का योगदान बताना है, पेट्राक का योगदान बताना है जो मानवतावादी था, जो विश्व में मानवतावाद का जनक कहलाता है, जैसे भारत में राजा राम मोहन राय और M.N. रॉय कहलाते हैं, भारत में मानवतावाद के जनक किसको कहते हैं, राजा राम मोहन राय को कहते हैं, और नव मानवतावादी किसको कहते हैं, M.N. रॉय को कहते हैं, मानवेंद्रनाथ रॉय को कहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर दांते हैं, लॉरेंजो हैं, बुकासियो हैं, पेट्राक हैं, कार्ल मार्क्स उसको कहते हैं, क्या नाम है उसका, शेक्सपियर है, इसके अलावा जॉन मार्टिन लूथर हैं, जॉन हस हैं, वाइक्लिफ हैं, इनके विचारों को बताना है कि इन्होंने कैसे कैसे अपने विचारों के द्वारा पुरातन व्यवस्था जो रिजिम जो पुरातन रिजिम था यानी पुरातन जो व्यवस्था थी ब्रिटेन यूरोप की, चर्च है, पादरी है, सामंतवाद है, यानी मानव है धर्म के बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और मानव है, मानव अध्ययन का या दुनिया में मानव का कोई अस्तित्व नहीं था, अस्तित्व था तो केवल धर्म का था, और उसमें भी आप चिंतन का विषय है वो मानव नहीं है, तो मानव बिल्कुल ही शोषित था, सभी वर्ग शोषित थे, पाप मोचन पत्र बेचे जा रहे थे कि आप पाप करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट खरीद लो, ये सर्टिफिकेट खरीदते ही आपका द्वार है वो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। तो ये जब देखा तो इसका सारों ने विरोध किया कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि एक हाथी है सुई की नोक से निकल सकता है लेकिन एक पापी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित हुए। बोस्टन टी पार्टी, ये 20 वर्ड्स का है प्रश्न है, ये पूछ सकते हैं। अमेरिका में लॉर्ड नॉर्थ की दमनकारी कानून के विरोध में 16 दिसंबर 1973 को बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पेटियों से भरे जहाजों को समुद्र में फेंक दिया, इसका नेतृत्व सैमुअल एडम कर रहा था।
यानी चाय चाय का वहाँ चाय की तस्करी होती थी अमेरिका में। अब ब्रिटेन ने क्या किया कि चाय की जो भी होगा, जो भी चाय का व्यापार होगा वो ब्रिटेन के माध्यम से ही होगा, इस बात का विरोध किया। और इसका जो सैमुअल एडम खुद चाय का व्यापारी था, तो वहाँ पर गोलियाँ चली, कुछ लोग मारे गए। फ्रांस की क्रांति के परिणाम बताने हैं आपको, सीधा सीधा प्रश्न है, प्रांत के राष्ट्रीयता का विकास हुआ, बाकी थ्योरी आप देख लेना कैसे कैसे फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद को विकास हुआ है। जनतंत्र की विजय हुई, फ्रांस की क्रांति से जनतंत्र की विजय हुई, निरंकुश शासन राजतंत्र का अंत हुआ, राजा यानी लुई सोलवे का अंत हुआ, समाजवाद का विकास हुआ, जिसमें पॉइंट दे रखे हैं, सभी मनुष्यों को विधान द्वारा समान घोषित किया गया, उन्नति का समान अवसर दिया गया, समान कानून और कर व्यवस्था की स्थापना की गई, सामाजिक असमानता समाप्त हो गई, तो कुलीनों के विशेष अधिकार छीन लिए गए, शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ, यानी चर्च की प्रतिष्ठा का पतन हो गया और उसकी जगह शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाने लगे, आर्थिक विकास हुआ, चर्च व सामंतों की भूमि किसानों में बांट दी गई, चुंगी की समान दरें निर्धारित की गई, कागजी मुद्रा का प्रचलन किया गया फ्रांस क्रांति के बाद। यूरोप में प्रतिक्रियावाद का जन्म हुआ, राजतंत्र राज्यों में क्रांति का विरोध किया गया, यूरोप के जो राजतंत्रात्मक राज्य थे वहां जनतंत्र लोकतंत्र का विरोध किया गया, फ्रांस की सेना का आधुनिकरण हुआ। तो ये कुछ पांच छह प्रश्न थे। इसी प्रकार में इस प्रकार के ये इन प्रश्नों को क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, और इनका उत्तर है वो आप अपने अनुसार भी बना सकते हो, और मेरे ये उत्तर हैं वो भी कर सकते हो, और ये जो पूरा मैटर होगा वो PDF फॉर्म में आपको इस ऐप पर मिल जाएगा, इस ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएगा।